ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह जादू है, जितना भी खतरनाक जादू है और बार बार हो रहा है और जिन्नात है और नजर बद है और खतरनाक तरीन जादू का वार पलट रहा है, बार बार पलट रहा है, बार बार पलट रहा है। एक लीमू ले ले, सुन एक लीमू ले ले, लीमू तो मिलता है ले ले। उस लीमू के ऊपर तवज्जो से बैठ के उसको सामने रखें। अच्छा, ये अमल घर का हर फर्द भी कर सकता है, हर बंदा अपना लीमू ले ले, चंद अफराद भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है, कोई एक भी कर सकता है, सारे भी कर सकते हैं, चंद भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है। और उस लीमू पे नजर रख के पढ़ना है या मुंतकिम, ऐ इंतकाम लेने वाले अल्लाह, मेरे बस में नहीं है मैं जादू का इंतकाम ले सकूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं बेबस हूं, तो ताकतवर है। उसका तस्वर करके लीमू पे पढ़ेंगे या मुंतकिम 313 बार हर नमाज के बाद। अगर आप हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, सुबह शाम पढ़ना, हर नमाज के बाद पढ़ेंगे ताकत ज्यादा है, नहीं भी पढ़ सकते उसी एक लीमू पे सुबह शाम पढ़ना, सुबह शाम पढ़े 40 दिन पढ़े 40 दिन रोज। क्या करेंगे? उस लीमू को पूरे बदन पे मल देंगे, कपड़ों के ऊपर से, बस ऐसी सारे घर के जिस्म पे, घर के हर फर्द पे, वरना जितने घर के अफराद हैं, और जो घर का फर्द भी अगर गैर हाजिर भी है तो उसका कोई कपड़ा पड़ा है उस पे मल दें, उसका तसव्वुर करें, उसका कोई कपड़ा पड़ा है तो उसका तस्वर करके मल दे। इस अमल का भी मेरे पास हवाला है। हम अकाबर अकाबर को पढ़ते नहीं है, अकाबर और बड़ों को पढ़ते नहीं है, फिर कहते हैं ये कहां से आया है, लाइलमी और नावाकफियत हमारी, ये कहां से आया है, अकाबर को पढ़ तो सही। अब 313 बार क्या पढ़ना है? या मुंतकिमो, या ऐ इंतकाम लेने वाले अल्लाह, मैं कमजोर, मैं लाचार, मैं बेबस, मैं बेसहारा, मैं बेहैसियत, 313 बार अवलाकर 3 दफा दुरूद पढ़ो। सख्त तसव्वुर हो, एक बार याद रखिएगा, मैंने अपने हजरत से पूछा, जरा सुनना गौर से, हजरत को इसमें आजम फरमाए, फिर अर्ज किया हजरत को इसमें आजम फरमाए, मेरे मुर्शिद का भी साल 1991 में है, इसमें आजम फरमाए, आखिर तारीख नफ्स फरमाए, फरमाया तारीख यकीन आजम इसमें आजम है, यकीन आजम इसमें आजम है, यकीन आजम, यकीन 100% यकीन और कामिल यकीन और यकीन का भी यकीन और यकीन के ऊपर भी यकीन और यकीन के बाद भी यकीन। मैं काफी हूं उसके लिए, फहुआ फहुआ हस। अच्छा, अब रोज उसको बदन पे मलना है और फिर पढ़ना भी है, तो ये की लीमू चलेगा। घर का हर फर्द अपना करे तो अपने बदन पे मले, लीमू एक ही चलेगा। 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद इस लीमू को किसी छुरी से टुकड़े टुकड़े करना है, टुकड़े टुकड़े करना है और कीमा करना है इसका, और तसव्वुर करना है कि सब चीज तहस नहस है, तहस है, टुकड़े टुकड़े हो गए, खत्म हो गए। और उसके बाद इसको, इस लीमू को भी, उस छुरी को भी, छुरी नहीं लेनी है, कोई पुरानी सस्ती सी छुरी लेनी नहीं है, 10-20 रुपए वाली नहीं लेनी है, उन सबको गहरी जमीन करके दफन करते हैं 40 दिन के। आप पहले दिन इसका नतीजा देखेंगे, पहले दिन इसका रिजल्ट देखेंगे, जादू पलट पलट के आ रहा है, जादूगर को नसीहत नहीं मिल रही, और अगर आप उसको नसीहत ना मिली, अल्लाह उससे इंतकाम ऐसा लेगा कि जादू उस पर पलट जाएगा।
और अगर जिन है अल्लाह इंतकाम लेगा, उस पे जिन्नाती दुनिया की ताकतें पलट जाएंगी, जल जाएगा। ये नींबू का अमल आपको मैं तोहफा दे रहा हूं। तो ये नींबू का अमल अच्छा फिर भी कर सकते हैं, 40 दिन के बाद अगला नींबू ले लें, अगली छुरी ले लें। छुरी सिर्फ आखिरी दिन इस्तेमाल में आई, ये मजाक रह गया, उसी से काटना है। उसको काटते हुए कीमा करते करते तसव्वुर हो कि जितनी भी चीजें हैं, जादू है और जादू की ताकतें हैं और काली कुव्वतें हैं, सब तहस नहस हो जाए।